हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, ये मैंने बादाम लिया था, तो मैं इसको रोस्टेड करने वाली हूँ। इसे कढ़ाई में घी डालूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से भून लूँगी, एकदम क्रंची जैसा। जब हो जाएगा उसमें नमक डाल के निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद मैं उसमें मूँगफली के दाने भी भूनूँगी, और वो जो मखाना होता है वो भी भूनूँगी, काजू भी थोड़ा भूनूँगी, थोड़ा किसमें भी भूनूँगी, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद मैं किसमिस के बाद में वो अखरोट वो भी डालूँगी, सब बहुत ही टेस्टी लगेगा। आज या कल मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे कपड़े भी थोड़े ब्रश करने हैं, ये भी बनाना है, देखेंगे आज कल मैं कर लेंगी। इसमें मैंने क्या क्या है, काजू बादाम और ये मखाना, और अखरोट तो घर पे ही पड़ा है, और पिस्ता भी पड़ा है, तो पिस्ता को भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से ही रोस्टेड मिलता है मार्केट से ही, और उसमें नमक भी लगे हुए होते हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बस मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी चलेंगे वीडियोस बनाने के लिए। आज मैं ये फ्रॉक में कैसी लग रही हूँ ये भी बताना, और ये मेरी नई इयरिंग जो मैंने फर्स्ट बार पहनी, ये कैसा लग रहा है, और ये मेरी वॉच नहीं अच्छी लग, और ये मैंने नेल पेंट लगाया है, ये डार्क चॉकलेट कलर है, तो कभी कभी ये ब्लॉक मतलब ब्लैक भी दिखता है, तो जो भी है अच्छा है, अभी मैंने लगाया वीडियो में ही। और ये मैंने बाल की चोटी आज बनाई है तो कैसा लग रहा है ये भी बताना, और थोड़ा अलग स्टाइल, यू नो अभी गर्मी होती है तो थोड़ा मतलब बाल खोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि और पसीना होता है और गर्मी लगती है, क्या करो कितनी भी गर्मी हो वीडियो तो बनानी ही है। तो बस अभी चलेंगे वीडियो शूट करने के लिए, आप लोग देखना और बताना आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत ही मेहनत करती हूँ मैं गाइस, तो प्लीज़ आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करो और अपना प्यार दो, और डेली मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट में। एक्चुअली क्या है ना कि रोज़ साड़ी पहनने का मन नहीं करता, तो आज ऐसे ही थोड़ा हल्का पहन लिया, मतलब घर के कपड़ों में ही आज वीडियो बनाने वाली हूँ जो भी है चलो, आप लोग तो मुझे देखते हो ना,